आए फ्रेंड मयंक ही तभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये महिंद्रा का 475 DI है, सरपंच मॉडल, हाईटेक हाइड्रोलिक। इसका अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही मिलता रहेगा। इसका डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करने के लिए इसका पहले सीट उतार लेते हैं, इसके बाद राउंडिंग का टोटल बोल्ट खोल लेते हैं। हाइड्रोलिक टॉप कवर का पाइप उप खोलने के बाद इसका हाइड्रोलिक टॉप कवर को नीचे उतारते हैं। ये बत्ता को यहाँ से खोलना पड़ेगा। मैंने हाइड्रोलिक टॉप कवर को उतार लिया है नीचे। इसका डिस्ट्रीब्यूटर लीक होगा क्योंकि कोई एप्लीमेंट उठाने पे अटक जाता था और नीचे नहीं गिरता था। इसका कंट्रोल बल्ब चेंज होगा और फंस जाता था तो नहीं गिरता था, वैसे चलाने में ऑटोमेटिक अपने आप गिर जा रहा था। ये 14 नंबर का 2 बोल्ट है, ये पाइप वाला, इसको खोल लेते हैं 2 बोल्ट को, और ऊपर से 13 नंबर का प्लेट का टोटल बोल्ट खोल लिए हैं। ये खुल चुका है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। इसमें एक बूस रहता है प्लास्टिक का, इसको निकालने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर निकलेगा, उसको बाद में निकालते हैं। और यहाँ से इसका चिरा पिन लॉक निकाल लेते हैं, इसके बाद ये पाइप खोलते हैं। ये चारों 14 नंबर का बोल्ट खोल लेते हैं, ये भी निकल चुका है। अब इसका ये बुशिंग पाइप खोलेंगे, इसको सट लगाएंगे, इसको घुमा के खोल लेंगे। इस साइड भी खोल लेते हैं। ये इस प्रकार से खुलेगा। दोनों साइड से खोलने के बाद ये पाइप को हम बाहर निकालेंगे। ये निकल चुका है और ये साइड जो इधर चकड़ी रहता है इसमें फंसल रहता है बहुत अच्छी तरीका से, इसको घुमा के साइज बाय साइज मिला के निकालना पड़ता है, आसानी से निकल जाता है। वहाँ पे एक लॉकिंग टैप रहता है, उसको हम सीधा करेंगे, कट बनल रहता है, कट के सामने जाएगा तो निकल जाएगा। इस पाइप को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये मैंने पाइप को निकाल लिया है बाहर, ये इस प्रकार से लगल रहता है यहाँ पे। अब इसका ये जो पाइप लगता है जिसमें है प्रेशर पाइप, इसको खोल लेते हैं। इसमें भी एक सॉकेट रहता है, स्प्रिंग रहता है, वाल्व रहता है, ये इस प्रकार से एक सॉकेट रहता है, उसमें एक वाल्व रहता है, स्प्रिंग रहता है, उसको बाद में निकालेंगे, अभी नहीं निकलेगा वो। ये 19 नंबर का टोटल बोल्ट खोल लेते हैं, मैंने टोटल बोल्ट को खोल लिया है। अब ये स्प्रिंग को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, लॉक से निकाल देता हूँ। ये स्प्रिंग निकल चुका है। अब इसमें एक बुश रहता है, 19 नंबर का बोल्ट लेके 2-3 गुना टाइट करेंगे, फिर खींच लेंगे तो बाहर आ जाएगा। ये निकल चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली को बाहर निकाल लिया है। ये 2 11 नंबर का बोल्ट लगल रहता है, इसको खोल के मैंने प्लेट को बाहर निकाल लिया है। ये इसका ओरिंग है, एक ओरिंग यहाँ से कट चुका है, ये इसमें न्यू ओरिंग डालेंगे। टोटल ये टोटल ओरिंग डालेंगे न्यू। और यह हाइड्रोलिक सीक्रेट फिल्टर है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यह भी निकल चुका है। ये स्प्रिंग है, इसमें बॉल होता है, चक्री होता है, और छोटा स्प्रिंग और बड़ा पिन, छोटा पिन। ये टोटल चीज़ को निकाल लेते हैं बाहर।
ये टोटल चीज निकल चुका है। अब हम पिस्टन को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा प्रेस करेंगे पिस्टन निकल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलता रहेगा। और ये इसका पिस्टन का हालत बहुत ख़राब है और इसका बॉकेट भी चला गया है। ये पिस्टन भी लगेगा, बॉकेट भी लगेगा। अगले वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे इसमें क्या सब हम चेंज करते हैं और कैसे करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बॉकेट कट के पिस्टन पे आ गया है और पिस्टन जैसे सीज करता है उस टाइप से हो गया है। और ये इसका रैम सिलेंडर का लाइनर है। और ये इसका कंट्रोल बल्ब है नीचे में। अभी आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। ये कंट्रोल बल्ब के पीछे में ये रहता है स्प्रिंग कंट्रोल बल्ब पे, और ये एक सॉकेट रहता है जिसे कंट्रोल बल्ब अप डाउन होते रहता है। ये मैंने प्रेस करके इसका कंट्रोल बल्ब को बाहर निकाल लिया है। ये इसका कंट्रोल बल्ब है जो कि यहाँ पे लगल रहता है। और मैंने इसको डिसमेंटल कर दिया है। ये इतना सामान चेंज होगा।